नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। आजम खान के कारण 800 वाल्मीकि सांकेतिक रूप से बने मुस्लिम। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के ताकतवर नेता आजम खान के गढ़ रामपुर में अपना घर बचाने के लिए 800 से ज्यादा वाल्मीकियों ने इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान किया है। एक हफ्ते पहले ही इन परिवारों ने कहा था कि इनके पास अपने घर बचाने के लिए यही आखिरी उपाय है। उल्लेखनीय है कि इन लोगों के घर रामपुर के तोपखाना इलाके में बन रहे एक शॉपिंग मॉल तक आने वाली सड़क चौड़ी करने के लिए ढहाए जाने हैं। बताया जाता है कि यह विशालकाय शॉपिंग मॉल आजम खान का है। नगर निगम अधिकारियों ने कुछ दिन पहले वाल्मीकि बस्ती के कुछ लोगों के घरों को गिराने के लिए उन पर लाल निशान लगा दिए थे। वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि कुछ दिन पहले हमारे इलाके में निकाय का एक कर्मचारी आया और उसने हमें घर छोड़ने को कहा। जब हमने ऐसा करने में असमर्थता जताई तो उसने हमें घरों को बचाने के लिए इस्लाम ग्रहण करने की सलाह दी। हमें यह विचार सही लगा क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों के मकानों को नहीं तोड़ा गया है। दिग्विजय ने दी राहुल को नसीहत। अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इशारों में ही राहुल को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि राहुल को राजनीति में और ज्यादा दिखना चाहिए और इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह नहीं लिया जा सकता। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम परसेप्शन की लड़ाई हारे हैं। राहुल खुद को उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सके जैसे मोदी ने किया। लोकसभा चुनाव के समय उन्हें और आक्रामक होना चाहिए था। उन्हें मुद्दों पर बात करनी चाहिए, मीडिया से बात करनी चाहिए। राहुल को अब मजबूती से सामने आना चाहिए और सभी बड़े मुद्दों पर लोगों से जुड़ना चाहिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की वापसी का इंतजार आज पूरा हो सकता है। राजनीतिक जीवन से 55 दिनों की छुट्टी के बाद वो बुधवार को सामने आ सकते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि इसी के साथ ही वो कांग्रेस में अपनी भूमिका को और अधिक विस्तार दे सकते हैं। हरकी पैड़ी में प्रतिबंधित की जाए गैर हिंदुओं की एंट्री, कहा आदित्यनाथ ने। गोरखपुर से भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने हरिद्वार के मशहूर घाट हरकी पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की और इसे सुरक्षा और धार्मिक नजरिए से जरूरी बताया। हरिद्वार में पंचायती अखाड़ा उदासीन नया में अपने सम्मान में आयोजित एक समारोह में संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, ये सुरक्षा और धार्मिक दृष्टिकोण से जरूरी है।